हेलो, वेलकम बैक इन माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आज का वीडियो है उसमें मैं एक गांव का जो जीवन है उसकी जो सुबह कैसी होती है, मॉर्निंग रूटीन वर्क कैसा होता है वो दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज के वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, देखिए जो हमारी सुबह की शुरुआत होती है वो होती है गाय का दूध निकालने से, काउ मिल्किंग से। तो देखिए सवेरे सर्वप्रथम हम गाय दूहने का काम ही करते हैं। और ये देखिए दूध निकालने के बाद गाय का, चाय पीने के बाद अभी हम कर रहे हैं बिलोने की तैयारी। तो देखिए सबसे पहले हम बिलोने में जो दही है हमारा, 2 दिन का दही इकट्ठा करके रखते हैं हम, 1 दिन छोड़ के 1 दिन बिलोते हैं। तो देखिए ये बिलोने में डाल दिया हमने दही, ये देखिए। और अब हम इसे जो मशीन है उसकी सहायता से बिलोएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, जो दही डाल रहा है उन्हीं बर्तनों में हम 1-1 लोटा पानी डाल देंगे। खौण करना बोलते हैं, खौण मारवाड़ी में हमारे, तो खौण कर लेंगे इससे। हम जो भी आसपास दही वगैरह है उसको साफ़ कर लेंगे इससे। देखिए ये सुबह का काम है दोस्तों हमारे। और किस प्रकार से मक्खन निकलता है दही से वो भी हम उस वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा। ये देखिए इस प्रकार से जो भी दही लगा हुआ उसको हम साफ करके और फिर इसमें डाल देंगे अपने जो बिलोना है, जो बिलोना बोलते हैं, बलोना करना। तो देखिए इसे बिलोने में डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, बर्तनों को एक साइड रख देंगे और जो हमारी मशीन है उसको लगा देंगे बिलोने में और स्विच कर देंगे ऑन। और देखिए अभी हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 5-10 मिनट में जो मक्खन है ऊपर आ जाएगा और बाद में हम जो मक्खन है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए एक बार बीच में भी 1-2 बार चेक कर लेंगे और बीच बीच में मैं 1-2 बार इसमें, अभी जैसे गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे और सर्दी के मौसम में हम गर्म पानी डालते हैं इसमें। तो देखिए 1-2 लोटे हम ठंडे पानी के डाल देंगे जिससे जो घी है उसकी जो लोई बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, और वापस मशीन ऑन कर दिए। और अब देखिए आ चुका है मक्खन और अब हम मक्खन निकालेंगे पिलोने में से। देखिए एक मैंने भगोने ले लिए, सबसे पहले जो मशीन उसको निकाल के जो मशीन के जो फूल बोलते हैं फुलड़ों पे जो मक्खन है उसे साफ कर लेंगे हम। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा मॉर्निंग रूटीन वर्क जो हम रोज करते हैं गांव में। अभी तो आज तो मैं आपको सिर्फ बिलोने का गांव मिल्किंग ही दिखाया है आपको, इसी और दिनों दिखाऊंगा दूसरा काम जो हम करते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे दोस्तों,
मक्खन को सही कर लेंगे, इस तरह घुमाते हुए इसको सही कर लेंगे। ये देखिए, अभी गर्मी है, थोड़ी बारिश का मौसम है, तो कभी मौसम ठंडा कभी गर्म रहता है, तो ठंड में तो घी अच्छे से आ जाता, बाकी गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है, ठंडा पानी डालना पड़ता है इसमें। ये देखिए, और जैसे गाय भैंस रखते हैं तो उसको कहते हैं धीणा, धीणा रखना, मतलब दूध होता है तो उसको धीणा बोलते हैं मारवाड़ी में, हमारे धीणा है घर में कि नहीं है, जैसे कोई आता जाता है कहते हैं कि घर में धीणो है कि नहीं है, तो धीणा बोलते हैं गाय जब दूध देती है, गाय वैसे मिलते हैं तो उसे धीणा बोलते हैं। देखिए मशीन हो गई अच्छी तरह साफ, अब हमारे चलिए मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ, मारवाड़ी सॉन्ग। गोरा धोरा री धरती रूपी चरंग पाड़ा री धरती रूपी पीतल पातल रे तीरो मीरा कर मारी धरती रो कितनो कितनो रे करा में बखान कण कण सो गूंजे जे जे राज स्थान। घर पूछा भाई घर मजला, घर कूचा भाई घर मजला, घर मजला भाई घर मजला हो। तो दोस्तों देखिए, अब हम जो मक्खन है बिलोने में उसको निकालेंगे, थपथपाना बोलते हैं, जैसे ये हाथ से थपथपाते छाछ में, अंदर छाछ भी हमारी तैयार हो चुकी है थोड़ी देर में। देखिए थपथपाना बोलते हैं, ऐसे हाथ से निकालते हैं, थोड़ा बहुत मक्खन रह जाता है उससे। और आपको मेरा गीत कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको आपको पसंद आए और आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं और भी गीत आपको गा के बताऊँगा। तो ये देखिए इस प्रकार से कम 10-15 मिनट तो मक्खन निकालने में लगते हैं इस पर। देखिए बाहर आज हवा चल रही है बहुत अच्छी, और बार बार बारिश भी हो रही है, आज का मौसम बहुत ठंडा है। आपके यहाँ का मौसम कैसा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद मुझे करना है जो गाय और बकरियां हैं उनको कुट्टी मिलानी है। और ये देखिए दोस्तों, ये आपको होता कि नहीं होता, ये हमारे नियम है यहाँ पर, सूरज को चारों दिशाओं में हम छाछ के जो छींटे देते हैं और फिर तिलक लगाते हैं इसे छाछ का। ये देखिए नितिन है, ये भी रोज़ लगवाता तिलक। और देखिए अब नितिन बर्तन धुला रहा है, बर्तन सॉरी जो मशीन है उसको धुला रहा है, पीछे हमारे खाना बन रहा है, बरसात का मौसम है तो यहीं बैठ के बनाते हैं बाहर। ये देखिए इस प्रकार से मशीन को धोते हैं, क्योंकि इसकी भी देख रेख करनी पड़ती है हमें। इस प्रकार आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको हमारा सुबह का जो नाश्ता है, क्या नाश्ता करते हैं हम, वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ जरूर पूरा वीडियो वॉच करें दोस्तों। ये देखिए बकरी अगर हम अभी बाहर ही बांधते हैं, गर्मी है और बरसात का, बरसात में जो गॉड शेड है उसमें बांध देते हैं। देखिए बकरी बाहर जो रही है अभी चारे के लिए, इसमें चारा डालना बकरी। तो कुछ ये रूटीन वर्क है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ये देखिए मशीन के जो फूल हैं उनको हमें अच्छी तरह साफ करना होता है। अब देखिए आज का नाश्ता हमारा कैसा है। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए ये है हमारा सिंपल सा गांव का सुबह सुबह का नाश्ता, दूध रोटी और मक्खन। ये देखिए ये हमारा सिंपल सा नाश्ता है, देखिए ये खाते हैं हम सुबह सुबह, और फिर खाना 12-1 बजे होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे अगर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।